हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल से फ्राइड चने। मतलब चनों को मैंने यहाँ पे ये लगभग मैंने 1 कप से थोड़े से ज़्यादा चने लिए थे। 7-8 घंटे पानी भिगोने के बाद अभी उनको पानी यानी निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे एक मैंने लार्ज साइज़ का अनियन लिया था, बारीक बारीक चॉप कर लिया। एक लार्ज साइज़ का टमाटर, 1 चम्मच जीरा, 1/3 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून मेरा चाट मसाला है। और ये मेरी 2-3 हरी मिर्च थी, इनके अलावा कुछ भी नहीं डालूंगी। तो इन चनों को सबसे पहले मैं बॉईल करूंगी, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करूंगी क्योंकि अच्छे से सोक्ड है। तो 3 से 4 सीटियों में मैं पहले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद हल्का सा फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे लगभग 2 कप पानी मैंने कुकर में डाल के अपने पहले चनों को मैं 3-4 सीटी आने तक बस बॉईल कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से अपने चनों को 3-4 सीटियों में बॉईल कर लिया है। ये एकदम से घुले नहीं हैं लेकिन गल गए हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 से 2.5 टीस्पून सरसों का तेल लिया है। चने सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें हम डाल देंगे जीरा। मेरा ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है, फ्लेम मैंने अभी लो कर रखा है। और अब इसमें डालेंगे हम अपना प्याज और साथ ही में डाल देंगे अपनी हरी मिर्च। और अच्छा सा, हमें ब्राउन नहीं करना प्याज को, लेकिन अच्छा सा कलर आ जाए, हल्का हल्का जो ब्राउन कलर होता है ना, बस आना शुरू होगा तभी हम टमाटर ऐड करेंगे। तो अभी इसको हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं प्याज को अपने। देखिए हल्का हल्का प्याज ने हल्का कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, ब्राउनिश कलर पे आने लगी है। बस फ्लेम अगेन मैंने एकदम लो कर दिया। अब डालेंगे टमाटर। टमाटर के साथ ये सारे मसाले भी डाल देंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स। टमाटरों के साथ भी हम बस 2 मिनट भूनेंगे और पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटरों का मॉइस्चर में ही हमारे मसाले भुन जाएंगे। और टमाटरों को भी हमें एकदम मैश ही नहीं करना, ऐसे चंकी चंकी रहेंगे, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और मसाला भुन जाए। उसके बाद हमें चने डाल देना है। बहुत झटपट बन जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, कभी इस तरह से भी बना के देखिएगा। तो अच्छे से मैं 2 मिनट अच्छे से भून लेती हूँ लो मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट अच्छे से भून चुके हैं हमारे टमाटर और मसाले। अब डाल देते हैं अपने चने। एकदम पानी इनका हटा लीजिएगा, उनका पानी मतलब एकदम वेस्ट मत करिएगा, अच्छे से वॉश करके उबालिएगा। तो उस पानी को आप किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप उसका फ्लेवर डाल सकते हैं। और आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मैंने चनों को बॉईल करते वक्त नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो सारा फ्लेवर हम अब लाएंगे। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद 5 मिनट के लिए मैं ढक के पकाऊंगी चनों को, जिससे अच्छे से सारे फ्लेवर्स चने में आ जाएं। और पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है हमें, लो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए खोल के देख लेते हैं अपने चनों को क्या हाल है उनके। बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, हल्का सा स्टर कर लेती हूँ और एकदम तैयार हैं, पक चुके हैं। जितने मुझे इनको फ्राई करने थे हो चुके हैं। चलिए मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ, चूल्हा कर लेती हूँ बंद। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट बन जाने वाले फ्राइड चने तैयार हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ में। चलिए फिर आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा, कमेंट से बताइएगा लग कैसे रहे हैं। चलिए फिर, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।